तुम्हें क्या कोई सबूत मिला? मैं अपने साथ ये लेकर आया, इसके अंदर बहुत सारी दवाइयाँ हैं। ये बाहर वाली दीवार के पीछे छुपाया हुआ था और इसके पीछे कुछ लिखा हुआ है। अरे नहीं, बिल्कुल सही। तो फिर ठीक है, मैं सबको बुलाती हूँ, सबको। कोई ना कोई हमें ख़त्म कर रहा है। हमारा सामान चुराने का मतलब रात को सोते हुए हमें कोई मार रहा है। इससे हमारी जान चले जाएगी और हम मर जाएंगे। इसमें कोई फ़र्क नहीं है, अगर क्लेमेंटाइन बीमार पड़ गई हम उसके लिए दवाइयाँ कहाँ से लाएंगे? अब ये क्या है? तुम हमसे चोरी तो करके दिखाओ, हिम्मत है तुम्हारे अंदर? अब भले ये कौन आ गए, अपने आप को शर्माए मत, तुम्हारे लोग रह गए। हिलने की कोशिश मत करना, ठीक है? हम क्या करेंगे? नहीं, ये कभी भी हमारे पास आ जाएंगे। लिली, तुम भला क्या कर रही हो? चोरी। क्या? तुम बस जाकर उससे बात करो, वो बस गोली ना मार दे। तुम सबने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, हमसे पंगा लेकर। अरे नहीं, भगवान बचाए। अब इन चिरकुटों का बहुत हुआ, अब मेरा दिमाग खराब कर दिया। इनको मारते हैं, गोली पकड़ के। हम मार देनी चाहिए इनको। मारो सालों को पकड़ के। प्लीज तुम शांत हो जाओ, हमारे पास और भी सप्लाईज हैं, हम डील चलती रखेंगे। अब बहुत लेट हो चुके तुम शिटहेड, हम कभी किसी को दूसरा मौका नहीं देते। अरे हमें थोड़ा टाइम लग गया था, आने वाले टाइम में तुम्हें अच्छा सामान देंगे। मैं सुन रहा हूँ, कोई बात नहीं, हम तुम्हें सब कुछ दे देंगे, बस हमें प्लीज जाने दो, ताकि तुम बाद में अपने गुंडे इकट्ठे कर हमें खत्म कर दो, ठीक है? समझ गया मैं, अपनी बकवास बंद कर, अब सारा खेल खत्म करने का टाइम आ चुका है मेरे दोस्त। अबे ओ यार, इसको खत्म करो। मैं भी। अरे ये क्या हुआ? सब पीछे हो जाओ, इसको खत्म करते हैं हम। हमें यहाँ से भागना होगा। अरे नहीं ली, तुम इन सबको खत्म करो, इतना मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ अंदर जाकर। तुम सब जल्दी से आगे बढ़ो, ये हमें खत्म कर देंगे नहीं तो। अभी तुम सब यहाँ पर जल्दी से भागो। शुक्रिया लिया हमें बचाने के लिए, अंदर चले जाओ जल्दी से। अरे गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? हमारी मदद करो। काट जाओ, वहीं पे इंतजार करो। अब भला ये कहाँ चले गए? काट जाओ, वहीं पर रुको, मैं इनको खत्म करता हूँ। काजा जल्दी से इधर आओ, जल्दी से। क्लेमेंटाइन जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ, ये तुम्हारे लिए ठीक होगा। अरे भगवान, लिली जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। उसको यहीं पर छोड़ दे, हम चलते हैं। ली यहाँ पर ज़ॉम्बीज आ गए। क्या नहीं, जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो। अरे ली यार, राइट की तरफ वॉकर्स आ रहे हैं, जल्दी से लेफ्ट साइड पर जाओ। राइट की तरफ से आ रहे हैं, अरे डग इंजन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। लिली हमारे पास आखिरी चांस है, जल्दी से नीचे आ जाओ। अरे नहीं, कैट क्या तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, आई एम सॉरी। शांत हो जाओ, हमें पता लगाना होगा ये कैसे हुआ। अरे कोई भी मरा नहीं, खत्म करो बस, ठीक है? काजा क्या तुम ठीक हो? हमने अपना सब कुछ गवा दिया पर हमारी जान तो बची। काजा तुम्हें क्या हुआ भला? अरे ये कोई हमारे में से ही है जिसने ये किया। अरे दो मिनट चुप कर जाओ यार, बैंडिट्स की नजर शुरू से हम पर है। ये बात अलग है, हम में से कोई उनके साथ काम करता है, किसी ने हमारी दवाई चुराई इसलिए उन्होंने हम पर अटैक किया।
अरे तुम सब चुप हो जाओ, पीछे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ली को वो पैकेट मिला दीवार के पीछे छुपा हुआ। ये सच है तो बेन, मेरे हिसाब से हमें बात करनी चाहिए। अरे क्या लिली, प्लीज इस बात को दिमाग से सोच क्या? लो दिमाग लगाएं। ये नया लड़का है, इसको कोई भी प्लान कर सकता है। मेरे हिसाब से मैं दिमाग से काम ले रही हूँ डग। तुम्हें लगता है मैंने ही नुकसान पहुंचाया तुम सबका? मुझसे चलाकी ना कर। तुम यही सोच रहे हो कि वो हमें मार देंगे और तुम उनके साथ मिल जाओगे? बेन एक अच्छा लड़का है। बिल्कुल सच कहा। तो फिर कौन अच्छा होने का मखौटा पहनकर कोई भी बुरा काम कर सकता है? ये मैंने नहीं किया ले, सच में। तुम्हें पता है मैं हमेशा से राजनीति वगैरह से दूर रहता हूँ, लेकिन हमें अपनी राजनीति छोड़कर सब कुछ दिमाग से काम लेना चाहिए। डग, मुझे तुम्हारी बात अच्छी लगी, पर हमारे पास सारे सबूत पड़े हैं। डग सही कह रहा है, हमें आराम से नीचे उतर कर बात करनी चाहिए अच्छे लोगों की तरह। अगर हम सब वहाँ मर जाते तो फिर क्या करते? ली, तुम क्या जानते हो कि हमने क्या ढूंढा है? प्लीज मुझे गाड़ी से बाहर निकाल दो, मैं चले जाऊंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं चले जाऊंगा। बढ़िया, ये मुझे अच्छा लगा। लिली एक बार इसकी तरफ देखो। अरे नहीं, हे भगवान, मैंने नहीं किया। मेरी आंखों की तरफ देख और मुझे बता तुमने ये नहीं किया। मैंने ये क्या हो गया? भला क्या हुआ? मेरी किसी से टक्कर लग गई, मुझे उतरना पड़ेगा। अरे ये बढ़िया हुआ, अब तुम्हें मैं बाहर देखती हूँ। केनी, क्या ये सेफ है? शायद से। सब बाहर चलो। लिली चलो। कैनी, गाड़ी का कोई नुकसान नहीं हुआ, पर नीचे ज़ॉम्बी फंस गया। अरे नहीं यार, सब अपनी नजरें तेज रखो। मेरे हिसाब से हमें तुझे धक्के मार के निकालना चाहिए, यही अरे अच्छा प्लीज है। तुम शांत हो जाए यार, जब मैंने कहा मैंने नहीं किया फिर मेरे पीछे क्यों पड़ी हो आप? मैं तुमसे माफी मांगती हूँ कि तुम मुझसे डर रहे हो। बस एक बात बता दे, तूने ये नहीं किया। अरे ये ज़ॉम्बी कहीं का, मैं अब ये नहीं कर सकता, बस करो। Come on, Lee, ये सब तुमने ही पता किया था, अब तुम पीछे हट रहे हो। वो सब भाड़ में जाए, खत्म करो इस चीज को, अभी हम बीच सड़क पर खड़े हैं। चलो फिर ठीक है कैनी। अरे ये मैं नहीं जानता, बस करो, खत्म करो इस बात को। तुम्हारा और काजा का वोट काउंट होता है। अरे तुम्हें वोट वगैरह की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे विश्वास जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। प्लीज यार, मैं दिल से आप सबकी रखवाली करूँगा। कुछ भी बोलते जाओ, अब मैं सबसे ज्यादा खाना ढूंढूंगा, दवाइयाँ भी और हर चीज ढूंढूंगा। अरे बस करो, हालात और भी खराब होते जा रहे हैं, मैं यहाँ पर अकेला नहीं रह सकता यार। तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब इसके अलावा भी हमें कोई सबूत चाहिए? अरे यार सबूत वगैरह से कुछ नहीं होता, हम एक दूसरे के साथ नहीं लड़ सकते। मैंने तुम्हारी बहुत बातें सुन ली डग। कैनी, फिर वो कौन था? अरे प्लीज यार मुझे काम तो करने दो। बेन, तुम जल्दी से बात कबूल कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी, देख ले। नहीं बेन। लिली, ये भरोसे की बात है और मुझे तुम पर भरोसा नहीं। लिली प्लीज शांत हो जाओ। मैं नहीं कर सकती ली, तुम जानते हो मैं नहीं कर सकती। शांत हो जाओ प्लीज, मुझे ग्रुप से बाहर मत निकालो। हम नहीं निकालेंगे। जल्दी मुझे अब बताओ तुम। प्लीज दोबारा गाड़ी में वापिस जाते हैं। अब ये नहीं होने वाला, मैं सब संभाल लूंगा। शुक्र है मैंने इसको खत्म कर दिया, अब तुम सबकी क्या प्रॉब्लम है भला? अरे नहीं, इसको घेर दे। हे भगवान। कैनी, यहाँ पर क्या हो रहा है? डग को खिड़की से दूर रखो, मैं आता हूँ यहाँ पर। सब गाड़ी के अंदर आ जाओ, हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। मैं उसको नहीं मारना चाहती थी, मुझसे गलती हो गई। तुम हमारे साथ नहीं आओगी अब। मैं अब बाहर मर जाऊंगी, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तुमने इसका मर्डर किया लिली, इसलिए तुम हमारे साथ नहीं आ सकती। क्या मैं मर्डरर हूँ? ली हमारे साथ कब से है? तुम क्या बात कर रही हो? इसने तुम्हें बताया नहीं? अपोकलिप्स के पहले इसने मर्डर किया था और ये एक मर्डरर है। क्या ये सच है ली? हाँ। अरे नहीं यार, तुमने आज तक भला मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हारा दोस्त तुम है और तुम्हारे साथ एक छोटी बच्ची भी है। भगवान ही मुझे बचाए। अंदर आ जाओ ली, यहां से चलते हैं हम।
मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं बचा। ली, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आना। तुम सब कैसे हो? क्या डक अच्छा महसूस कर रहा है? हे भगवान, ये क्या हुआ? जब बैंडिट था तब हुआ। आगे क्या प्लान है? आज तक हमारे ग्रुप में कोई बाइट वाला नहीं आया। मैं इसके ऊपर नजरें रख के पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपनी तरफ से कुछ कर पाऊं। हमारा वही प्लान है, हमेशा की तरह ईस्ट की तरफ जाना और कुछ नहीं। दोस्तों, इसके अलावा भला हम क्या करें? मैं चाहती हूं तुम्हें पता लगे। हमारी तो किस्मत ऐसी है, कभी अच्छा टाइम नहीं आया। जो भी हो, मैं चाहती हूँ कि तुम भी क्लेमेंटाइन को ये बात बता दो प्लीज। डक को काट लिया। क्या? डक को किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया जब हम वहां से जा रहे थे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और डक कैसा है? मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, वो बहुत बुरा हुआ। मैं आपसे माफी मांगती अगर मैंने कुछ। नहीं, तुम माफी मत मांगो। तुम्हारा इसमें कोई लेना देना नहीं था स्वीट पी। मैं किस्मत वाला, तुम मेरे साथ हो। मैं भी। मैंने पहली बार तुम्हें अपने ट्री हाउस के बाहर देखा था और मैंने सोचा आपके मत्थे पे मैं हथौड़ा मार दूं। ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन मैंने नहीं किया। शुक्रिया। अरे नहीं, तुम्हें भला क्या हुआ? क्लेमेंटाइन, तुम्हें क्या हुआ? प्लीज मेरे से दूर रहो, प्लीज। मुझे यहां पर कुछ मिला। अरे नहीं यार, यहां पर तो रोड ब्लॉक पड़ा है। अब हमें इसको संभालना पड़ेगा। यहां से जाने का कोई रास्ता है? सिर्फ एक ही रास्ता है, पैदल चलने का और कुछ नहीं। और मैं ये नहीं करना चाहता। ये दिखने में मुझे सुरक्षित जगह लग रही है। ये आसपास के खेत वाली जगह ज़ॉम्बी से हमें दूर रखेगी। हम आसपास जाकर कुछ ढूंढते हैं। हाँ हाँ, तुम सब रिलैक्स करो यहाँ पर। क्लेम, कैनी और काजा के साथ रहना तुम। ली, अगर तुम्हें आसपास कुछ पीने को मिले तो प्लीज मुझे जरूर देना कर। मेरे हिसाब से डक को प्यास लग रही है।
वहां पर रेलवे वाले डब्बे में चेक करो और ध्यान से जाना तुम। अच्छा, तुम्हें लगता है टूटे ट्रेन के डब्बे में ज़ॉम्बी हो सकते हैं, मैं चेक करके आता हूँ, बाकी आगे देखते हैं। अरे वाह, मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई रह रहा है। तुमने सही कहा, मेरे हिसाब से वो चले गए। यही उम्मीद लगाता हूँ, पर ये जो सामान पड़ा है तो यूज किया हुआ है, मेरे हिसाब से वो यहाँ से चले गए अभी थोड़ी देर के लिए। मैं ये कागज के लिए ले जाता हूँ डक के लिए। ये तो रेलवे पटरी का मैप है, इसमें समुद्र किनारे जाने का रास्ता भी लिखा है, नीचे की तरफ जाकर सवेना का रास्ता। कैनी को तो ये चीज बहुत पसंद आएगी। काजा, तुम्हारे पानी लेकर आया हूँ। अरे थैंक यू, परफेक्ट, ये जगह अच्छी लग रही है। तुमने सही कहा, मैं बस यही सोच रही हूँ कि ये सब मेरे को मायने रखता है। नहीं रखता, वो मैं जानती हूँ, तुमने सही कहा, वो मैं जानती हूँ, ठीक है। ये मुझे रेलवे वाले डब्बे के अंदर मिला है, इसी के लिए तो मैं शुरू से बेताब था। मेरे हिसाब से ये पटरियों का रास्ता बिल्कुल सवेना की तरफ जा रहा है, ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया। क्या तुम सब मिलकर कोशिश करोगे ट्रेन को चलाने की वापस? हाँ मैं कोशिश करूंगा। हे यार, हम आसपास देख रहे हैं लेकिन हमें कुछ नहीं मिला अभी। अरे कोई बात नहीं, आसपास ढूंढते रहो, कुछ ना कुछ मिलेगा। हे स्वीट पी, तुम यहाँ पर ठीक महसूस कर रही हो? मुझे नहीं लगता डक अच्छा महसूस कर रहा है। मेरे हिसाब से भी। तुमने भला लिली के साथ क्या किया? मैं नहीं जानता, उसको अकेला छोड़ दिया। मैंने आज तक कभी जिंदगी में किसी को ऐसे मारते नहीं देखा। आगे आने वाले टाइम में तुम्हें बुरा वक्त भी दिखेगा, पर कभी भी ऐसा ना दिखे बस। क्या वो तुम थे? प्लीज दोबारा मत बोलो। क्या तुम थे? नहीं। तो फिर ठीक है। अरे इतना सारा लोहा यहां पर क्या कर रहा है? नहीं, ये टूटा हुआ है, इसको करने का कोई अच्छा तरीका होगा, मैं ढूंढता हूं कुछ। कुछ नहीं,
अरे अटका हुआ है, इसको फ्री करने का कोई तरीका ढूंढना होगा मुझे। सबसे पहले मुझे ब्रूस ढूंढना होगा। बाप रे, एक अंदर पड़ा है, ज़ॉम्बी है, चेयर के ऊपर बैठा है, मैं संभाल लूंगा। मेरे हिसाब से आसपास देखना चाहिए। हाँ मैं उम्मीद लगाता हूँ ये वापस जिंदा ना हो जाए बस। हे भगवान, ये लाइट यहाँ पर चल रही है, इसको दबाना। दबाऊं? क्यों नहीं, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? इधर देखो। ये तो बस ब्रेक थी। अरे वाह, तुम्हारा दिमाग तेज है। ये ट्रेन काम करती है? दिखने में लगता है। अरे वाह, इसको भला हम कैसे चलाएंगे? वो मैं नहीं जानता, कोई मैनुअल बुक वगैरह में पढ़नी चाहिए। कोई सबूत नहीं। आसपास देखो जरा, यहीं आसपास होना चाहिए हमारा सामान। बहन, अगर तुम बच्चों का ख्याल रखोगे तो मैं अप्रिशिएट करूंगा। मैं यहाँ पर सारे कंट्रोल चेक कर रहा हूँ। वाह, हम हमेशा से यही चाहते थे बस।